प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा भले ही जल प्रदूषण वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने की बात कही जा रही हो, लेकिन पीतल एक्सपोर्ट फर्म स्वामियों द्वारा लगातार जल को प्रदूषित किया जा रहा है, जिसके चलते जहां जीव जंतु मौत की कगार पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं अब पालतू पशु भी जहरीले पानी का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा मुरादाबाद की दिल्ली रोड लाकड़ी मिनी बाईपास पर दिखाई दिया, जहां पर एक पीतल फार्म से निकल रहे जहरीले पानी को पीकर एक भैंस की मौत हो गई। भैंस की मौत की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने जब मौके पर पहुंचकर स्थिति को देखा तो फैक्ट्री से निकल रहे केमिकल युक्त पानी से खेत में चुग रहे बगले कछुए और सियार के साथ साथ भैंस की मौत हो चुकी थी। पशु और पक्षियों की मौत को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि पीतल फार्म से जहरीले पानी निकल रहा है जो खेतों की तरफ को जा रहा है, खेती में नुकसान हो रहा है और अब तो वही जनमानस की भी हानि हो रही है। पीड़ित मजदूर महिला का कहना था कि वह गरीब विधवा महिला है, जैसे तैसे करके अपने परिवार का गुजारा कर रही है। आज उसके घर परिवार का सहारा बनी भैंस भी प्रदूषित पानी का शिकार हो गई। अब वह जाए भी तो कहां जाए, कोई सुनने वाला नहीं। क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि उनके द्वारा लगातार लिखा पढ़ी करी जा रही है, लेकिन इस जहरीले पानी पर कब अंकुश लगेगा कोई नहीं जानता। प्रदूषण नियंत्रण विभाग सिर्फ दिखावे का काम करता है, जनता के हितों को लेकर उसके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा जिससे इस प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। पीड़ित महिला जलधारा से बात की गई तब उस महिला द्वारा इंसाफ दिलाने की मांग की गई है। भैंस को ये हुआ था, मैं चुगाने लेकर आई थी, मेरी यही रोजी रोटी है, तो घर पे गोत भी इतना ना था, मैं चुगाने लेकर आई थी। फिर उन्होंने भरे में पानी पिया, भरे में पानी पीकर लौट गई, लौट के 10 मिनट में खत्म हो गई। अच्छा, यहाँ और भी जानता हूँ, ये केमिकल का पानी चल गया फैक्ट्री का, साइनेट का। अच्छा, अभी तक कोई फैक्ट्री से आया? कोई नहीं आया, मैंने कल कहा फैक्ट्री वालों से, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी मेरी। अब आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ मुझे भैंस का खर्चा मिलना चाहिए, 4 महीने की ज्ञामानी पहले जुटिया मेरी। मैं कोई कानरवाई बात कोई करूंगी, पहले कोई कानरवाई नहीं करूंगी मैं, जब तक मेरी भैंस की कीमत चाहिए बस, मुझे कोई कानरवाई नहीं करूंगी।